नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कल ही उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अजय माकन उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, कल वो राहुल गांधी से मिले थे। वो इस बात की जानकारी होगी ही कि कल हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने विधिवत रूप से सिद्धू जी से मुलाकात कर उनका स्वागत किया कांग्रेस पार्टी में। आज हम लोग कांग्रेस मुख्यालय में सिद्धू जी का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धू जी के कांग्रेस में आने से कांग्रेस पार्टी पंजाब में और पूरे देश के अंदर और मजबूत होगी, सेकुलर फोर्सेस को और ताकत मिलेगी और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स को बल मिलेगा। और सिद्धू जी के आने से, क्योंकि हम सब लोग देखते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि इनका एक अपना राजनीतिक, सामाजिक और खेल के जगत में अपना एक विशेष अनुभव है, एक अपना विशेष योगदान है और इनके आने से कांग्रेस पार्टी को बल मिलेगा, हम इनका स्वागत करते हैं। अब आशा कुमारी जी जो हमारी पंजाब की प्रभारी हैं, ये इनका वेलकम करेंगी, कुछ बोलेंगे, कुछ शब्द बोलेंगे और उसके बाद में सिद्धू जी बोलेंगे और फिर उसके बाद में आप सब लोगों के से यहां पे हम लोग आप सब लोगों से प्रश्न लेंगे। आशा कुमारी जी नमस्कार। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में सिद्धू जी का कांग्रेस पार्टी में आने का स्वागत भी करती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके आने से कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी, जो सेक्युलर फोर्सेस हैं उनको मजबूती मिलेगी और पंजाब में निश्चित तौर पे हमारा प्रदर्शन और भी बेहतर होगा। मैं एक बार फिर पंजाब कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सिद्धू जी के आने से कांग्रेस को और बल मिलेगा पंजाब में भी और जैसा माकन जी ने कहा, इनके अनुभव का लाभ हमें पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा। और सिद्धू जी से निवेदन करती हूं कि वो आपसे मुताबिक आपके सामने आए। मंच पे आसीन महानुभाव, उन सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबका खैर मकदम धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए। दोस्तों, आई एम अ बॉर्न कांग्रेसमैन। मेरा अस्तित्व पैदाइशी कांग्रेसी है। आई हैव जस्ट कम बैक टू माई रूट्स। मैं अपनी जड़ से वापस जुड़ गया हूं। मेरे पिता सरदार भगवान सिंह सिद्धू कीर्ति गदर पार्टी में तेजा सिंह स्वतंत्र के साथ कांग्रेस में शुरुआत की, 40 साल कांग्रेस की सेवा की, एमएलए बने, एमएलसी बने। कीर्ति गदर पार्टी में गदरी बनके उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया। लाहौर में लाल किला अखबार निकालते हुए वो पकड़े गए। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय द ब्रिटिश, ऑर्डर्ड टू बी शॉट बाय द फायरिंग स्क्वाड। जेल में 2 महीने तसीहे झेलने के बाद जब 7 दिन रह गए थे, किंग्स एमनेस्टी हुई और उसमें मेरे पिता को 7 पर्चियां डाली थी, छोड़ दिया गया। वापस आके एमएलए, एमएलसी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब बने। मेरी ये घर वापसी है, मैं वापस घर आ गया। बाकी कुछ लोग टिप्पणियां कसते हैं, असर नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, असर नहीं है। कहते हैं सिद्धू पार्टी को मां कहता था, यह बड़ा जबरदस्त ज्वलंत, कोई प्रधान जब बोलता है तो बड़ी जिम्मेवारी से बोलता है। मां बोलता था लेकिन माता तो कह कहीं भी थी, जो वनवास भेजती थी, अपनी जड़ से दूर करती थी, घर से बाहर भेजती थी, ठीक नहीं थी वो वनवास भेजती थी और माता
कौशल्या वापस बुला के विश्वास का सद्दा भेजती थी। तो ये तो आप तय कर लो कि कैकई कौन है और माता कौशल्या कौन है। दूसरी बात, सारा जग वाकिफ है, पंजाब वाकिफ है कि मंथरा का रोल किसने निभाया पंजाब में, कौन उकसाता था, कौन साजिशें करता था और कौन सिद्धू को वहां देख के असुरक्षित महसूस करता था। वो मंथरा कौन है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। सिद्धू नहीं कहता, राजेश खन्ना कह गए, बहुत पुराने, वो भी कांग्रेसी थे, खटैक। तो ये मुद्दा तो खत्म हुआ। अब जो ज्वलंत सवाल है वो ये है कि क्या ये सिद्धू का निजी युद्ध है, क्या ये निजी लड़ाई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नवजोत सिंह सिद्धू की निजी लड़ाई नहीं है, ये पंजाब के अस्तित्व की लड़ाई है, पंजाब के स्वाभिमान की लड़ाई है। अलख जगाने आया है सिद्धू। एक जरिया चाहिए था, एक माध्यम चाहिए था, मिल गया, कांग्रेस पार्टी मिल गया। अलख भी जगाऊंगा और लोगों को यह एहसास भी दिलाऊंगा कि कहां गया वो पंजाब जो जाना जाता था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, आज वो चिट्टे की वजह से जाना जाता है। नाम ही खोदोगे तो किधर जाओगे और पहचान खोदोगे सिद्धू तो बिखर जाओगे। पंजाब हमारा गौरव है, अन्नदाता को भिखारी बना के खड़ा कर दिया, साख धूल में मिला दी, क्या इसके लिए लड़ना नहीं होगा? क्या किसी को हलाहल विष पीना नहीं होगा? क्या हर आदमी अपने बारे में ही सोचता रहेगा? बहनों भाइयों, आज पंजाब में 55% लोग 18 साल और 39 साल के बीच में हैं, यानी युवा। 1.5 करोड़, 1.97 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग युवा हैं। युवा क्या दिशा दे रहे हैं हम उन्हें? बीज बो दो, फूल खिल के चमन को बहार देंगे, और दिशा दे दो, ये नौजवान मिलकर पंजाब को संवार देंगे। इन्हें दिशा देनी होगी, इन्हें उठाना होगा, इन्हें जगाना होगा, इन्हें आत्मविश्वास देना होगा। ड्रग्स इज अ रियलिटी इन पंजाब, यू कैनॉट हैव दैट ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी, बैरी योर हेड डीप इन अ पिट एंड थिंक इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज एग्जिस्ट। बीज नाश कर रही है हमारी कौम का, जिस कौम ने अपनी जवानी को संभाला, विजयी हुई, यशस्वी हुई, उसकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं हुई, और जिस कौम ने अपनी जवानी को मिट्टी में रोल दिया उसका अस्तित्व मिट गया। नहीं मिट सकती गुरु गोविंद सिंह पातशाह की यह कौम, नहीं मिट सकती वो ऐसे रोल मॉडल जो हमारे सामने है, शहीद आजम भगत सिंह। कोई उठेगा, परित्राणाम साधुनाम विनाशाचाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। जिन लोगों को भगवान भूल गया है, जिन लोगों ने जुल्म की अति कर दी, दबा के लूटा, जिसने विरोध किया उसे दबा के कूटा, उन लोगों के इंसाफ का समय आ गया है भाई। इंसाफ होगा, आवाज खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कजा मौत है, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है, जब बादल के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। भाग बाबा बादल भाग, कुर्सी खाली कर, पंजाब की जनता आती है, आती है। ये प्रण है नवजोत सिंह सिद्धू का। अभी तो सर पार्टी शुरू हुई है, ट्रेलर शुरू है, तो आप क्यों वो कर रहे हो?
आपने लय ना तोड़ो मेरी गुरुदेव। मैं हैरान हूं कि कोई नहीं बोला कि ड्रग्स इज अ रियलिटी। मुझे यह बताइए कि यह चिट्टा राजस्थान में क्यों नहीं बिकता, यह चिट्टा गुजरात में क्यों नहीं बिकता भाई, J&K में क्यों नहीं बिकता, बॉर्डर है ईरान के साथ, ईरान में क्यों नहीं बिकता, यह क्यों बिकता है सिर्फ पंजाब में? क्योंकि पंजाब में पॉलिटिशियन पुलिस जो कुटपुतली बना दी गई है और ड्रग पेडलर इनका नेक्सस है, इनका नेक्सस है, कोई माने या ना माने, सच कह गए हैं लोग दीवाने, सत्य यही है। और मैं आज सत्य बोलने आया हूं, अलख जगाने आया हूं। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, पीठ नहीं दिखाएंगे, योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। और सत्य यह है कि इन्होंने पंजाब जो कि ढाल थी इस मुल्क की, इन्होंने ढाल खोखली कर दी है। जो ढाल बन के खड़े होते थे, जो फौज में जाया करते थे, जो सुडौल तगड़े मुंह पे नूर था जिनके, उनके पेंसिलों जैसे शरीर हैं, वो फौज में भर्ती नहीं हो पा रहे। सरदार बूटा सिंह, उनकी आत्मा मुझे पुकारती है, आज भी मेरे लोहे खड़े होते हैं जब मैं सरदार बूटा सिंह को याद करता हूं, स्वतंत्रता सेनानी फौजी। मैं बटाला में भाषण कर रहा था, मुझे लेके गए, पंजाब में बाण के मंजे होते हैं, नीम के पेड़ के नीचे चौखट पे बिठाया, कहा बेटा मेरी 80 साल की उम्र है, लाल सुर्ख चेहरा, मैंने जंगें झेली हैं पाकिस्तान के विरुद्ध, चीन के विरुद्ध, मैंने कर्जे झेले हैं, मैंने हर मुसीबत झेली है, लेकिन मैं अपने पोते को नाली में गिरा हुआ नहीं देख सकता हूं, मैं नहीं बचूंगा। कोई गोली मारता है इंसान फट मर जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को, अपने घर के बच्चों को रोज मरता देखते हैं, वो हर रोज तिल तिल मरते हैं, कोई क्यों नहीं कर रहा कुछ? फिल्में बन रही हैं पंजाब के ऊपर, पंजाब की दुर्गति के ऊपर, पंजाब की हालत के ऊपर। नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई निजी नहीं है दोस्त। और यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।